सभी भाई लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, और सब लोग खुश होंगे आई होप, और बहुत आगे बढ़ोगे आप लोग जिंदगी में। सभी भाई लोग, सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये न्यू ईयर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ लाए, आपकी फैमिली बहुत खुश रहे, एंड आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल, आ गए एक और इंडोनेशिया बस सिमुलेटर के एपिसोड 14 में। तो आज बेसिकली हमें वोनोग्री से पता नहीं कौन से, सॉरी मालांग जाना है, ओके। तो अभी हम वोनोग्री से निकल चुके हैं, शाम का माहौल हो रखा है और न्यू ईयर का टाइम है, तो थोड़ी सी रोड पे थोड़ी भीड़ भाड़ मिल सकती है। तो आज भाई लोग थोड़ा सा होने वाला है कट पे कट, कट पे कट बोले तो एकदम झक्कास, ठीक है। जो भी चैनल पे नए हो भाई लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। और हम निकल चुके हैं अपने वनोगिरी के बस स्टैंड से, जो कि हमें बहुत घूम के जाना है। सो आई होप गेम में आप सभी भाई लोग को मज़ा आ रहा होगा, और जैसा कि हमने सोचा था, समझा था, जाना था, पहचाना था कि पिछली वीडियो पे आप लोग हमारे 110 सब्सक्राइबर करा दोगे, और वो आप लोगों ने करा दिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम हैं वोनोगिरी के ऑन रोड पे, और हमारी बस एकदम स्पीड पे चढ़ती हुई, और ये हम आ गए हैं रेलवे फाटक पे, जहाँ पे हम कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। और ये आ गई है छोटी सी ट्रेन जो कि इंडोनेशिया में चलती है, और अभी खुल गई है फाटक, हम निकल गए हैं फाटक से, मिलते हैं हम झाटक से। हैं झाटक से, व्हाट यू मीन झाटक से? ये आ गया टेढ़ा मोड़, इधर से हमने मोड़ी बस, जो कि हमें लेना है राइट टर्न। और माहौल देख के लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी, बट आगे देखते हैं क्या होगा। सो इसी के साथ चलते रहिए वीडियो में, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। और भाई लोग, इस वीडियो पे हम एम करते हैं 10 सब्सक्राइब का, जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया था, तो आई होप आप इस वीडियो में भी करा दोगे, और हमें पता है आप लोग करा दोगे। न्यू ईयर का टाइम है, हमें भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, 10 सब्सक्राइब कंप्लीट करा देना भाई लोग, बस यही उम्मीद है आपसे। मिलते हैं ऐसे ही गेम में, और भाई लोग ये गेम होने वाला है ख़त्म, बोले तो इसका मैप होने वाला है फिनिश। कमेंट करके बताइए कौन सा गेम खेले, मल्टीप्लेयर मोड खेलना है तो हमें बताइएगा कि कौन खेलना चाहता है हमारे साथ, अदरवाइज़ टूर मोड खेलना है तो टूर मोड हम खेलेंगे। और आई होप कि मैप कंप्लीट होने के बाद हम खेलेंगे टूर मैप, जो कि बहुत अच्छा है, उसमें हमारे पास आएगा काम, वो हमें करके देना है कंप्लीट। तो देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं हम कंप्लीट, और ऐसे ही हम करते रहेंगे नदियाँ क्रॉस। और ये आ गई है छोटी सी रिवर जिसको हम कर रहे हैं क्रॉस, और ये हमने प्यार से कर दी है क्रॉस, जो कि हमें आया एकदम मस्त मज़ा। और अभी हम हैं वोनोगिरी में, ये वोनोगिरी कितना बड़ा है, और अभी हम आ गए हैं, कौन सी लोकेशन है ये भाई लोग कमेंट करके बताओ, सॉरी जाटी रोटो में। अभी हम जाटी रोटो में आ गए हैं, जहाँ पे हो गई है बारिश स्टार्ट, और मौसम हो गया है सुहाना, ठंड हो रही है एकदम मस्त। हमने जगा ली है बस की आँखें, बोले तो लाइट, और हम चलेंगे धीमे धीमे, क्योंकि भाई लोग इधर है कट पे कट, तो यहाँ पे हो सकती है हमें थोड़ी सी दिक्कत, बट कोई नहीं, हम तो हैं एकदम हैवी ड्राइवर, तो कट से हमें कुछ डरना नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ता नहीं बढ़ता है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, लाइटों को हम बुझाते रहेंगे, जो कि हमने बुझा लिए। बारिश हो गई है ख़त्म, घुस गए हैं हम किसी वन में, जो कि वन विभाग वाले बोल रहे हैं कि भाई लोग इधर चलाओ स्लो, क्योंकि इधर आ जाते हैं ऑन रोड पे जीव जंतु एनिमल। यहाँ पे पहाड़ों में कर रहा है कोई खेती, और उसकी खेती कर देंगे हम बर्बाद। ये देखो भाई, आगे से हट जाओ यार, नहीं तो ठोक देंगे हम तुमको यार। यहाँ से हमें देनी पड़ेगी थोड़ी स्पीड, क्योंकि ये नहीं होने वाले यार साइड में। सो अभी हम जाटी रोटो में हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा माहौल एकदम ठंडा है, क्योंकि इधर छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे मोड़ हैं, जो कि हमारे लिए टर्न है, टर्न।
यहाँ पे छोटा सा टर्न आया, इसको हमने धीरे से घुमाया और पहला टर्न हो गया है हमारा क्रॉस, जो कि हमारे लिए है अफसोस। व्हाट इज द अफसोस? नॉट ए अफसोस भाई लोग, पबजी हो रहा है अनबैन। कौन कौन खेलना चाहता है मेरे साथ बता देना भाई लोग कमेंट करके। जैसे ही पबजी आएगा हम लोग खेलेंगे साथ में और जगराता करेंगे रात में, क्योंकि हमारे हो गए हैं 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट। हमारा एम है इस मंथ की 15 तारीख तक 200 सब्सक्राइब कंप्लीट करने का, और वो आप लोग करा दोगे। तो भाई लोग जैसे ही पबजी आएगा हम डालेंगे एक वीडियो जिसमें होगा रॉयल पास का गिव अवे। अपनी आईडी नीचे कमेंट कर देना और हम उसमें आपकी आइडिया 10 उठाएंगे। और आ गए हम पाना रोगों में, जहाँ पे हैं बहुत सारे टर्न और धीरे धीरे यहाँ पे चलानी पड़ेगी बस। तो भाई लोग ये हमारी बस है जो कि आप लोगों को दिख रही होगी, मैप में देख सकते हो कितने गंदे गंदे मोड़ हैं। और भाई यहाँ पे हमें पहाड़ से नीचे उतरना है, क्योंकि हम उधर से चढ़े थे इधर से उतरना है, तो हमारी बस को चलाना पड़ेगा हमें बहुत ही स्लो, ब्रेक मार मार के। तो चलते हैं धीरे धीरे, मिलते हैं नीचे। धीरे धीरे से चलेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। न्यू ईयर के टाइम पे मोड़ों के राइनो, मोड़ों के टाइम में मोड़ बहुत ही डेंजर है। थोड़ी सी जुखाम हमको भी हुई है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगर आप लोगों को सूसू की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, और पंप फूटने की आवाज़ आ रही हो तो भी इग्नोर करना, क्योंकि आज है न्यू ईयर, थोड़ा सा धमाका तो बनता है हीरो हीरो। तो कोई नहीं भाई लोग, चलते रहेंगे ऐसे ही, मिलते रहेंगे। अब हम निकल रहे हैं इधर से, क्योंकि हमने, अबे भाई कहाँ ठोकता आ रहा है ये? हेलो भाई, दारू वारू पिया है क्या भाई? देख रहे हो कैसे ठोक रहा है भाई लोग? क्या यार भाई, न्यू ईयर के दिन तो बिना पिए के चलाया करो यार गाड़ी को यार भाई, क्या यार। तो भाई इधर आ गया है एक बहुत ही डेंजर कट, और ट्रक के भिड़ ना जाए, बच गई हमारी बस। क्योंकि हम थोड़े से यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस मिला कि टर्न पे गाड़ी को कैसे चलाए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और आगे से आ गई है बस, हमें लेना है थोड़ा सा लेफ्ट और करना है एक ब्रिज क्रॉस, जो कि ये ब्रिज वेस्ट बंगाल वाला जैसा ब्रिज है जो कि इंडोनेशिया में है। और ये ब्रिज हमने कर लिया है क्रॉस, और हम फिर से ऑफ रोड, और सॉरी टर्न वाला रोड हो गया है आई थिंक खत्म। और भाई लोग हम ऊपर, पहले ऊपर चढ़े फिर हम ऊपर से नीचे आए, तो हमें हुई है बहुत ही तकलीफ। भाई इधर किसने लगा रखी है स्टोन? भाई पहाड़ों में कौन स्टोन लगाता है, ये तो हमें समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ से धीरे धीरे चल रहे हैं, और अभी हम आ गए हैं तुलंगा गंग में। तो भाई बहुत ही डेंजर नाम है तुलंगा गंग, और बहुत ही लंबा नाम है, तो हमें थोड़ा सा बढ़ने में हो गया है कंफ्यूजन, बट कोई नहीं। तो अभी मलंग के लिए हमें लेना है लेफ्ट, तो हम लेते हैं लेफ्ट और चलते हैं एकदम प्यार से। टेंशन वाली कोई बात नहीं, फ्यूल भराने की बात नहीं, फ्यूल 44 लीटर, और एमएफसी के सामने है यार। एमएफसी से निकले हैं, मस्जिद के सामने है आए हैं, तो यहाँ पे कोई टेंशन वाले बात नहीं। इस गांव, इस सिटी का नाम हम बार बार नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमसे लिया नहीं जाता है भाई लोग। और यहाँ पे थोड़ी सी खेती वेती कर रहे हैं, आई थिंक लगता है किसान एरिया, विलेज एरिया है, सिटी नहीं है ये है विलेज। तो हमें कोई टेंशन लेने की नहीं है बात, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं भाई आज रात। आज रात हम किधर पहुँचेंगे? आज रात हम मलंग में पहुँचेंगे। और ये फ्यूल पंप आ गया है, और हमारी बस 156 की स्पीड से चल रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी भी बात है, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से बहुत बुरी भी बात हो सकती है, क्योंकि हमारी बस ठुक सकती है। बट हम ठुकने देंगे नहीं, क्योंकि हम हैं हैवी ड्राइवर।
तो टेंशन की बात नहीं, न्यू ईयर की रात नहीं, न्यू ईयर की रात है भाई। अभी हम करते हैं ये सीटी जल्दी से क्रॉस, क्योंकि हमें आगे निकलना है भाई लोग, और मलंग से आगे शायद हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आई थिंक, आई एम नॉट कंफर्म, शायद कंप्लीट भी हो सकता है भाई लोग। तो अभी हम आ गए हैं मलंग में, और हमें लेना है टर्मिनल के अंदर। और भाई लोग जो भी चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बारिश हो गई है स्टार्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और इनको हम उतारते हैं, क्योंकि ये आ गए हैं भाई न्यू ईयर करने, न्यू ईयर मनाने अपने घर पे। ठीक है भाई लोग।